हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रैक्शन सिखाने वाली हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। उसके पहले आपको फ्रैक्शंस मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन ये समझ लेना चाहिए। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस मींस व्हेन वी डिवाइडेड एनी ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। When we divide it into any object, equal parts, each part of that object is called fraction. जो मैंने part red color से colored किया है, ये part भी fraction है, और ये जो अनकलर्ड पार्ट है वो भी क्या है, एक फ्रैक्शन है इस ऑब्जेक्ट के। तो इस ऑब्जेक्ट के कितने फ्रैक्शंस है? 2 फ्रैक्शंस हो गए। अभी उनको लिखते कैसे? हाउ कैन वी राइट फ्रैक्शन? ओके, तो हाउ मेनी पार्ट्स वी डन, हमने कितने पार्ट्स डिवाइड किए हैं? टोटल 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स हमने डिवाइड किए, तो 2, और कितने उसमें से कलर किए हैं? 1 पार्ट हमने उसके कलर किए हैं। तो कलर पार्ट के लिए फ्रैक्शंस हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और अनकलर पार्ट भी कितने हैं? 1, और टोटल पार्ट्स कितने थे? 2। तो इसका भी फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/2। तो 1/2 इज अ फ्रैक्शंस। ये जो नंबर हमें मिला है वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में 2 नंबर्स होते हैं, एक टॉप नंबर और दूसरा होता है बॉटम नंबर। बॉटम नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ओके, और टॉप को बोलते हैं न्यूमरेटर। बॉटम पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड टॉप नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर टेल्स यू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स देयर आर। डिनोमिनेटर हमें बताए कि ऑब्जेक्ट के कितने टोटल पार्ट्स किए है, एंड न्यूमरेटर टेल्स यू हाउ मेनी ऑफ दोज पार्ट आर टेकन। और न्यूमरेटर हमें बताता है कि इक्वल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट्स ले लिए है या फिर कलर किए है, ये न्यूमरेटर बताता है। तो इतने तक आपको समझ में आया फ्रैक्शंस क्या होता है? तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का। ओके, यहाँ पे मैंने सेकेंड डायग्राम में स्क्वायर निकाला है, और स्क्वायर के मैंने कितने टोटल पार्ट्स किए हैं? 4 पार्ट्स किए हैं। अभी मैं इसमें 2 पार्ट्स कलर कर देती हूँ। नाउ हियर आई कलर्ड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो हाउ कैन वी राइट फ्रैक्शंस ऑफ दैट कलर पार्ट? हम ये कलर पार्ट का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स को कलर किया है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स। टोटल हमने इक्वल पार्ट्स किए हैं 4, देन वी हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर 4, बिकॉज डिनोमिनेटर टेल्स यू टोटल डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स। ओके, देन हाउ मेनी कलर्ड पार्ट्स आर देयर? हमने कितने पार्ट्स को कलर किया है? 3। सो वी हैव टू राइट इन न्यूमरेटर 3, बिकॉज न्यूमरेटर टेल्स यू कि हमने कितने
पार्ट्स ले लिए है या फिर कलर किए है, तो हमने थ्री पार्ट्स को कलर किए है, तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन हमें मिला है 3/4। और अगर समझो हमें अगर अनकलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है। इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 4, तो वो डिनोमिनेटर में वही रहेंगे। और अनकलर्ड पार्ट के बारे में पूछा है जो विदाउट कलर है, तो उस वो कितने रह गए हैं, 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे। तो कलर्ड पार्ट के लिए 3/4 हमें फ्रैक्शन मिला और अनकलर्ड पार्ट के लिए 1/4। अभी आपको समझ में आया? ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है और इससे आपको डायग्राम निकालनी है और फ्रैक्शंस डायग्राम में दिखाने हैं। ओके, तो 1/3 है, तो अभी हम कैसे दिखा सकते हैं? इमेजिन आपके पास है एक चॉकलेट बार, यानी चॉकलेट बार, और उसमें से आप, तो हमें चॉकलेट्स बार निकालना है। मैंने निकाला है चॉकलेट बार, ओके। अभी चॉकलेट्स बार के हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने होंगे, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने दिए हैं डिनोमिनेटर में, 3, ओके, 3 दिया है कि नहीं, तो 3 हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं, हमें वो चॉकलेट बार्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में। ओके, मैंने डिवाइड कर दिया है, और उसमें से कितने पार्ट्स लिए हुएंगे, हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन, न्यूमरेटर शोज टेकन पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज टेकन, सो वी हैव टू कलर ओनली 1 पार्ट एंड डन। इस वे से आप फ्रैक्शंस इजीली सीख सकते हो। आपको इसका बेस अगर पता चला तो आप आगे से बहुत अच्छे से लिख सकते। इस प्रकार आज हमने फ्रैक्शन किसे कहते हैं और कैसे दिखाते हैं ये हमने सीखा। फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं जिसे मैं अगले वीडियोस में शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि मेरी टीचिंग की मेथड कैसी है। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।